इंटेलिजेंट में अब अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल भी दे दिया गया है। पुरानी वाली हनी कॉम्बिनेशन थी वो चली जाती थी 167 फर्स्ट गियर पे, और अब देखो यहाँ पे तो एक तो गाइस ये है अपना मेरा रिव्यू एक कावासाकी ZX10R का। तो भाई वैसे तो किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि अपनी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो मेरे जो गुरुजी हैं मेरी लाइफ में बहुत सारी हैं और आती रहती हैं। देखो हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, बट मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई, बट उन प्रॉब्लम्स का काफ़ी हद तक सॉल्यूशन काम मैंने किया, पर सॉल्यूशन उन्होंने काफ़ी हद तक करा लिया एंड मेरी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो गई है। तो ये रे आचार्य गिरीश गुरु जी, जाओ इनके YouTube चैनल पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड कमेंट में भी लिंक दे रहा हूँ, जाओ और इनसे थोड़ी सी देखो, इनको फॉलो करो एंड अगर हेल्प चाहिए तो इनसे WhatsApp पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो वही अपन आ गए हैं यहाँ पे मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्रीम बाइक्स खड़ी होती है, तो चारों तरफ मेरे बाइक्स, लिटरली अगर बाहर से भी देखना चालू करेंगे वो देखो बाहर से पूरी बाइक्स वो खड़ी है अपनी टर्बो फॉर्च्यूनर, दूर से देखी गई होगी, एंड यहाँ पे खड़ी है एक K1600 GTL, और बाइक देखो यार ये कितनी जंबो बाइक है। ये देखो मैं हाइट की बात करूँ तो ये देखो मतलब दिस इज बिग, एक्चुअल में काफ़ी बड़ी बाइक है और लग रही है बहुत ही ज़बरदस्त 1600 cc बाइक। वैसे इसका जो पर्टिकुलर मॉडल है बैगर, जिसके अंदर ये साइड के पिनियर्स नहीं होते और पीछे का ये बॉक्स नहीं होता, ये वाली पर्टिकुलर बाइक का मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। बट बाइक ये वाला एक फ्यूचर में मतलब मैं ऐसी बाइक ज़रूर लूँगा, बाइक तो खैर ये कम है, कार जैसी ज़्यादा है, और लिटरली एक फीलिंग भी ऐसी आती है कि जैसे कार ही ले ली आपने एक आधी, तो आधी कार ये ज़रूर लेंगे, बट इन फ्यूचर अभी नहीं, क्योंकि अपने बजट से अभी हो चुकी है आउट, तो अभी बजट में दोबारा लेके आएंगे जल्दी। और अब देखो यहाँ पे तो एक बाइक जिसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं और काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रही है उसकी राइड, तो भाई आ जाओ भाई आ जाओ, तो भाई आज ये वाली बाइक देख लो। और इस बाइक के इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि मतलब इसको आज एक राइड रिव्यू तो बनता है, तो देयर इज़ अ बाइक एंड छोटा सा राइड रिव्यू करेंगे, लंबा नहीं रखेंगे बट राइड रिव्यू जरूर करेंगे इसका। तो दिस इज माइटी ZX10R। बाइक आ गई है यहाँ पे, एंड बाइक पे ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मैं बैठ गया, अब देखो बैठ के कैसा लग रहा हूँ पहले तो मुझे ये बताओ, बैठे हुए मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो थोड़ी सी फीलिंग बड़ी है, मतलब दिस इज अ वाइडर बाइक, हल्की सी वाइड है, और जब अपन बैठ के ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ तो मुझे एक हैवीनेस फील हो रही है इसके अंदर, बट नॉर्मली मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि चलाऊंगा जब तो ये ज़्यादा हैवी फील नहीं होगी, बिकॉज एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हैवी बाइक नहीं है, दिस इज़ ओनली 208 kg। अब अगर 208 kg की बात करें तो KTM की भी अगर अपन बात करते हैं तो अराउंड 180 kg के आसपास होती है, जो सबसे लाइट बाइक एक्चुअली मानी जाती है पर्टिकुलर अपने उस सेगमेंट में, बट एज अ लीडर क्लास बाइक ये 1000 cc बाइक है, 200 bhp है, तो उस हिसाब से अगर इसका वेट 208 kg है तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। एक और इसमें अच्छी बात है, दैट इज़ कि इसमें कम्प्लीटली जो ब्रेकिंग है दैट इज़ ब्रैम्बो, तो इसमें ब्रैम्बो का ही मास्टर सिलेंडर है एंड ब्रैम्बो के ही नीचे कैलिबर्स लगे हुए हैं, तो नीचे जो कैलिबर्स है ब्रेक कैलिबर्स वो तो ब्रैम्बो के जब ब्रेक कैलिबर्स हैं, ब्रैम्बो का ही मास्टर सिलेंडर है, तो ब्रेकिंग तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है, एंड 10R की ब्रेकिंग मुझे पहले भी बहुत ही पसंद थी, मेरे पास थी हनीकॉम एडिशन जो भी बहुत ज़बरदस्त थी, 19 मॉडल थी मेरी 2019, दिस इज़ लाइक 2022, सिर्फ और सिर्फ 1250 किलोमीटर चली हुई, NS1 पे गाइस अवेलेबल है, अगर परचेज करनी है तो आप क्वेरी डाल सकते हो एंड दिस इज रेडिली अवेलेबल। एक और बाइक अभी आने वाली है ZX10R, यही मॉडल एंड मोस्ट प्रोबेबली जल्दी आ जाएगी, ये वाली पर्टिकुलर कलर जो स्कीम है वो मुझे बहुत ही पसंद है, कंप्लीट ब्लैक और थोड़ा ग्रीन टच यहाँ पे, थोड़ा साइड में एंड यहाँ पे ये पीछे वाली बैली पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस वजह से जब इस बाइक का ओवरऑल लुक देखते हैं। तो अब सब्जेक्ट टू वैसे चॉइस होता है लुक्स, इसकी जो हेडलाइट है
वो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पसंद है, बट मुझे पर्टिकुलरली ये वाली हेडलाइट जो सेक्शन है ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक DRL है जो लगातार जलती रहती है वाइट कलर की, जैसे ही बाइक स्टार्ट हो जाती है वैसे ही हेडलाइट्स भी जल जाते हैं, एंड इसकी मीटर स्टाइलिंग भी काफ़ी बेटर कर दी है पहले से। ऑल्दो अगर सच बात बताऊँ तो मुझे 19 मॉडल का जो मीटर था, स्पेशली जो उसके ऊपर की RPM LED लाइट जाती थी, वो बहुत ही गजब लगती थी, और उससे अच्छा RPM जो स्टाइलिंग है वो मुझे कभी भी किसी बाइक का नहीं लगा। एक काम कर लो, एक ZX10R का क्लिप देख लो जो लास्ट टाइम मैंने चलाई थी 2019 मॉडल, उसके अंदर RPM मीटर किस तरीके से जाता है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो इस बाइक की लगती है वो लगता है मीटर, तो ये मैंने मीटर स्टार्ट किया। ओए होए होए होए, मीटर स्टार्ट करते ही कुछ ऐसा दिखता है। तो भाई कैसा लगा मीटर स्टाइलिंग? पुरानी वाली बाइक का मीटर स्टाइलिंग बहुत अच्छा था, बट यस अगर अपन बात करते हैं इस वाले मीटर की तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है गाइस। मीटर यहाँ पे है, मतलब ये स्क्रीन वैसे दिखने में बड़ी लग रही है पर अंदर की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, मुझे पर्टिकुलर ऐसा लगता है। तो ये जो स्टाइलिंग है भी बिल्कुल स्टाइलिंग डिफरेंट हो गई है, एंड मीटर लग रहा है बहुत ही गजब का। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है, जैसे न्यूट्रल गियर दिख रहा है, स्पोर्ट्स मोड दिख रहा है, RPM रेंज दिख रही है, बीच में जो जीरो लिखा हुआ है दैट इज स्पीड, और नीचे जो टोटल दिखा रहा है मतलब टाइम दिखा रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है, बाइक का ओडोमीटर 1293 किलोमीटर्स ओनली, और डिस्प्ले है बहुत ही क्लियर, सच बता रहा हूँ बहुत ब्राइट डिस्प्ले है, मतलब आपको अगर आप धूप में भी चला रहे होगे तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी डिस्प्ले के ऊपर। अब अगर बाइक के टैंक की बात करें तो टैंक काफ़ी वाइड है, ये मतलब काफ़ी अच्छा बड़ा टैंक है जो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब अपन सुपर बाइक पर बैठे होते हैं ना तो टैंक अगर छोटा होता है तो कहीं ना बाइक में ऐसे लगता है कि छोटी बाइक चला रहे हैं, तो एक्चुअल में इस बाइक को जब चला रहे होते हैं तो छोटी वाली फीलिंग नहीं आती, अच्छी बड़ी बाइक है। इस पर्टिकुलर बाइक में लगा हुआ है एरो एग्जॉस्ट स्लिप ऑन है, तो बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं है बट स्टिल ये कम भी नहीं है। तो भाई काम करते हैं, लेके चलते हैं थोड़ा टेस्ट राइड पे, थोड़ा सा मतलब एक्शन वाला टाइम भी होता है ना, थोड़ा सा एक्शन देख लेते हैं कि बाइक चलती कैसी है। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये वाला पर्टिकुलर मॉडल मैंने अभी तक चलाया ही नहीं है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है वो मुझे नहीं पता, पर अगर मैंने काफ़ी सारे लोगों से जब पूछा है जिन्होंने पुरानी ZX10R भी चलाई है और नई भी चलाई है, तो मुझे ऐसा सुनने में आया है कि जो पर्टिकुलर नई वाली ZX10R है वो उसकी एक्चुअली राइड क्वालिटी बहुत ही बेटर है पुरानी वाली से। एक दो जनों का पुरानी वाली का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है बट बाकी सब ने मुझे यही कहा है। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इस मॉडल की परफॉर्मेंस राइड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो चलते हैं थोड़ा सा और एक बार राइड क्वालिटी चलते हैं। रेडी टू रोल और अब चलते हैं थोड़ा सा बाइक के ऊपर एक्शन, मतलब देखते हैं कि बाइक कैसी चलती है और क्या रिस्पॉन्स है इस ZX10R 2022 का। तो गाइस ये रहा NS1 और ये खड़ी बाइक। शम्मी बाजी कितना हलचल? थैंक यू। हाँ मैंने गियर तो पता है, हाँ बाकी रस्ते में किसी को बिस्किट नहीं लवाऊंगा, खिड़की तो हाथ बाहर नहीं कटना। हाँ रोड पे मैं लत लुत नहीं आनी है, समझ गया मैं समझ गया। वे मैम ऑल सेट टू गो। हाँ और ओए 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 बाइक तो यार अल्टीमेट है, एंड ये गए अपन। तो बाइक में एक हैवी फीलिंग है, तो क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा काम किया, मतलब बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब फीलिंग आ गई क्विक शिफ्टर में, एंड अच्छी फीलिंग थी क्विक शिफ्टर की। तो गाइस बाइक चल रही है अच्छी, एक्चुअल में स्मूथ है बट थोड़ा सा हैवीनेस है इसमें, मतलब अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको S1000R से, सो दिस इज अ बिट हैवी बाइक, ये हल्की नहीं है, बड़ी फीलिंग है, एंड अच्छी फीलिंग है। ऑनेस्टली बोलूं तो मज़ेदार चल रही है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है, और ब्रेकिंग बहुत मज़ेदार है भाई, ब्रेकिंग ऑनेस्टली अच्छी है और काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है। अच्छा इसमें लगा हुआ है एक्चुअली स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, तो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट में क्या हो रहा है कि आवाज़ भी आ रही है एंड थोड़ी सी न्यूट्रल भी है ये।
ऑल इन ऑल और मज़ा आ रहा है चलाने में। सो बाइक के अंदर अगर पैसे फीचर्स की बात की जाए तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, चार राइडिंग मोड हैं इसके अंदर, ABS काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, ब्रेक का इसके अंदर यहाँ पे भी इंडिकेशन आ रहा है कि मैं कितनी ब्रेक दबा रहा हूँ, ये देखो ये ब्रेक का इंडिकेशन आ रहा है ये देखो, और काफ़ी अच्छा क्लियर इंडिकेशन है। तो थोड़ा सा खिंचा मारे, मज़ेदार क्विक शिफ्टर वर्किंग सो वेल, ऑटो ब्लिपर भी अच्छा चल रहा है और ऑल एंड ऑल स्मूथ चल रही है। हाँ, ये zigzag ऐसे करने में अगर मैं कंपेयर करूँ इसको अगेन अपनी ब्लैक माफिया से तो नहीं, ये वैसी नहीं है, इस पर थोड़ी सी एक हैवीनेस है, थोड़ी सी वैसी वाली फीलिंग है इसके अंदर, पर वैसे ऑल एंड ऑल अगर आपका बजट है 17-17.5 लाख रुपये का तो दिस विल बी अ अमेजिंग चॉइस गाइज। क्विक शिफ्टर मिल रहा है आपको, ऑटो ब्लिपर मिल रहा है, ब्रेम्बो ब्रेकिंग मिल रही है, और क्या चाहिए यार, कंप्लीट सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं आपको, चार आपको राइडिंग मोड मिल रहे हैं। तो भाई अब आप एक ऐसी बाइक से क्या चाहते हो जो एक प्रॉपर आपको सारा कुछ सारे फीचर्स दे देती है जो एक बाइक में होने चाहिए। तो अगर इस बाइक की बात करूं तो इसमें शोवा के सस्पेंशन लगे हुए हैं, मैनुअल हैं ये वाले, मैनुअल सस्पेंशन है एंड इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। वैसे ही अभी सॉफ्ट पे ही है, मतलब मैं जैसे ब्रेक लगा रहा हूँ तो डैम्प हो रही है पूरी बाइक, और सस्पेंशन सॉफ्ट साइड पे ही है। सीटिंग पोजीशन थोड़ी सी एग्रेसिव, मतलब मैं हल्का सा नीचे होके बैठा हूँ, बट ज़्यादा भी एग्रेसिव नहीं है। ऑल एंड ऑल वैसे मुझे मज़ा आ रहा है चलाने में। तो अभी राइडिंग मोड स्पोर्ट्स मोड पे, मोड एक बार चेंज कर लेते हैं। ये आ गई रेन मोड, राइडर वन मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो, राइडर टू अगेन आप एडजस्ट कर सकते हो, राइडर थ्री भी आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब राइडिंग मोड आप एडजस्ट कर सकते हो काफ़ी सारे, राइडर फोर, अरे काफ़ी सारे राइडर्स मोड आ गए भाई इसमें, तो मतलब आप अपने हिसाब से राइडिंग मोड वैसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड तो ये आ गया रेन मोड, ये आ गया रोड, और देख लेते हैं कोई और मोड आता है क्या इसमें। ये आ गया स्पोर्ट्स, तो अभी ये स्पोर्ट्स मोड पे, एक बार स्पोर्ट्स मोड पे लगा दिया मैंने, और हल्का सा अब चला के देखते हैं। बहुत फ़र्क आ गया बाइक के मतलब करेक्टर में, एकदम करेक्टर चेंज हो गया है, और जैसे ही मैंने स्पोर्ट्स पर डाली है वैसे ही इसका एग्रेशन और पावर अच्छी खासी चेंज हो चुकी है गाइस। बाइक अभी टेम्परेचर दिखा रही है 91 डिग्री, अच्छी खासी गर्मी है बाहर, और 91 डिग्री अगर इंजन टेम्परेचर दिखा रही है 90 डिग्री, तो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। मेरे पैर बिल्कुल नहीं जल रहे, मतलब बाइक उस तरीके से गर्म नहीं हो रही है जैसी नॉर्मली गर्म होती है। तो इसका 1300 किलोमीटर अपन ही पूरा करेंगे, 1298 किलोमीटर चली हुई टेक्निकली 1300 किलोमीटर्स, और बाइक काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे ऑलेंस का इसमें डैम्पर लगा हुआ है, स्टीयरिंग डैम्पर किस काम आता है वो बताता हूँ कि जब अपन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइक चला रहे होते हैं तो कभी कभी स्टीयरिंग जो होता है वो ऐसे ऐसे वॉबल कर जाता है, तो वॉबल करते टाइम एक ही चीज़ है जो आपको बचाती है वो है ये स्टीयरिंग डैम्पर, नहीं तो और ज़्यादा वॉबल हो जाएगा स्टीयरिंग और आप बाइक एक्चुअली हाई स्पीड पे कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। तो स्टीयरिंग डैम्पर का बहुत अच्छा खासा रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एक स्पोर्ट्स बाइक में। यस गाइस, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है और इस टाइम पे बहुत अच्छी चल रही है बाइक। पहले मुझे लग रहा था कि मतलब ना थोड़ी सी ऐसे दब के चल रही है, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ राइडिंग मोड। इसमें आप ट्रैक्शन कंट्रोल को भी मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो, तो अब अगर इसकी बाइक की इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल गाइस दिया हुआ है, मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्रूज़ कंट्रोल लगा के भी इसको चला सकते हैं, प्लस इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल्स आप पूरा सेट कर सकते हैं, कॉर्नरिंग कंट्रोल भी है, कॉर्नरिंग मतलब अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो उस पर आपको कितनी कंट्रोलिंग चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं, प्लस इसमें इंजन ब्रेकिंग जो है उसको भी आप सेट कर सकते हो कि आपको क्या लेवल चाहिए इंजन ब्रेकिंग में। कंप्लीट डिजिटल TFT स्क्रीन विद कंप्लीट कंट्रोल्स और सब कुछ है इस बाइक में अंदर, जितना भी आपको एक स्पोर्ट्स बाइक के अंदर चाहिए होता है।
इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है कि इकोनॉमी भी अगर आप बाइक चला रहे हो तो ये दिखा देता है कि आप इकोनॉमिकली चला रहे हो इसको या आप फ्यूल ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। राइडिंग मोड्स चार, इसके अंदर चार राइडर्स के हिसाब से आप अलग से और सेट कर सकते हो, तो दैट्स अगेन अ गुड थिंग। डिस्प्ले मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा बड़ा होता तो और अच्छा होता। बाकी रेस्ट ऑल एंड ऑल बाइक मज़ेदार है, मतलब चलाने में मज़ा आ रहा है। और ये देखो बिल्कुल फीलिंग अच्छी वाली है और मज़ेदार फीलिंग है, मतलब सुपर मज़ेदार। और ऑल एंड ऑल बड़ी बाइक है, अच्छी लग रही है। शीशे काफ़ी बाहर निकले हुए हैं इसके, और पीछे की जो रियर विजिबिलिटी है, मतलब रियर मिरर विजिबिलिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी है बाइक की। तो बाइक की अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करूँ तो ये है करीब करीब इसकी एवरेज होगी वैसे 11-12 के आसपास। ऑल एंड ऑल कंपनी क्लेम करती है इसकी 16 की एवरेज। 17 लीटर का इसका टैंक साइज़ है, तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो 17 लीटर काफ़ी अच्छा टैंक साइज़ होता है, आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आने वाली फ्यूल को लेके। तो अब सस्पेंशन भी चेक हो जाएगा। यस, सस्पेंशन अच्छा है, काफ़ी हद तक सॉफ्ट है और ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली आपको जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे या रोड पे अगर बम्प आ जाएंगे तो। तो गाइज ये है अपना मेरा रिव्यू एक कावासाकी ZX10R का। अगर आपका बजट है 16-17 लाख रुपए का या 17-17.5 लाख रुपए का या 18 लाख रुपए का, तो दिस इज़ अमेजिंग बाइक। सब कुछ है यार इस बाइक में, मेरे को लगता ही नहीं है कि कोई ऐसी ऐसी चीज़ है जो इस बाइक में इन्होंने नहीं डाल दी है। कावासाकी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑन दिस पर्टिकुलर मॉडल की, मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉकेट फ्रेंडली होने के बाद भी इस बाइक में सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो कैसी लगी आपको बाइक बताना मुझे ज़रूर। अभी ये 20 की एवरेज दिखा रही है मीटर के ऊपर, किलोमीटर पर लीटर 20, ओह माय गॉड। तो जैसे ही वैसे मैं थोड़ा सा और तेज़ चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी एवरेज कम हो जाएगी। ये एक राउंड ऑफ एवरेज दिखा रहा है, बट जनरली मेरे हिसाब से इसकी एवरेज करीब करीब 12 के आसपास ही होनी चाहिए गाइस। तो जब किसी दिन अपने को बाइक मिल गई कोई अच्छी खासी चली हुई जिसकी सारी सर्विसेज हो चुकी होंगी और रिस्ट्रिक्शन हट चुका होगा, तो फिर अपन थोड़ा सा उसको हाई स्पीड चेक करेंगे कि फर्स्ट गियर पे ZX10R कितनी स्पीड पे चली जाती है। पुरानी वाली हनी कॉमेडेशन थी वो चली जाती थी 167 फर्स्ट गियर पे, जो एक अच्छी खासी स्पीड होती है मतलब फर्स्ट गियर के हिसाब से। अब ये वाला पर्टिकुलर जो मॉडल है वो कितना जाता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ओह बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को पता है मैं बाइक कैसे चला के आऊँ इतनी गर्मी। A few moments later. कोई बाइक काफी इंटेलिजेंट ऑलरेडी कर दी है, राइड कैसे लगी वो मुझे जरूर बताना है। इंटेलिजेंट में अब अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल भी दे दिया गया है, मतलब अगर आपको ड्रैग रेस करनी हो और इमीडिएटली लॉन्च करना हो तो इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल है, मतलब रेस फुल देके रखो, बस क्लच दबाओ और RPM लॉक हो जाएगा एंड आप जैसे ही क्लच छोड़ोगे तो बाइक विली नहीं करेगी, सीधी लॉन्च होगी एंड प्रॉपरली एक स्ट्रेट लाइन में लॉन्च होगी। तो लॉन्च कंट्रोल बाइक के अंदर दे दिया गया है, प्लस इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, मतलब आप मोबाइल इससे कनेक्ट करके एंड काफ़ी सारे फीचर्स और ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो, इवन मैसेजेस एंड बाकी के पॉपअप्स भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। तो बाइक गाइस दिखती है कुछ ऐसी, कैसी लगी बाइक मुझे ज़रूर बताना। अगर अब पर्टिकुलरली मेरे वर्डिक्ट की बात करूँ तो मेरे को ये थोड़ी सी चलाने में हैवी लगी कंपेयर टू BMW S1000 RR। प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है, बट अगेन 7-8 लाख रुपए का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पावर हल्की सी कम है, ब्रूटल थोड़ी ज़्यादा नहीं है, ये ब्रूटलिटी भी कम है। तो ऑल इन ऑल बाइक अगर प्राइस सेगमेंट में बात करें तो बहुत अमेजिंग, बट अगर आप 7-8 लाख रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा BMW S1000 RR। ये वाली बाइक अगर लेनी हो तो अवेलेबल है NS1 पे एंड बाइक है बहुत ही ज़बरदस्त। 1293 किलोमीटर चली हुई थी, अब 1300 चली हुई है एंड 1300 किलोमीटर चली हुई। अगर ऐसी कोई ब्रांड न्यू सी बाइक लेनी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो NS1 पे, और कोई भी बाइक लेनी हो तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो NS1 पे। तो अगर रिव्यू अच्छा लग गया और सब कुछ अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो।